दोस्तों, मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आइए आज सीखते हैं क्लास 12 के अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से एक टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर मींस आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। इसमें हिंदी इसका होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी मान या वर्चुअल मींस आभासी मान। चलिए सीखते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन को सरल शब्दों में कि यदि एसी को देखा जाए तो एसी प्रत्यावर्ती नेचर का होने के कारण इसका मान हमेशा परिवर्तित होता हुआ होता है। तो अगर इसके प्रभावी मान को लिखा जाए तो हम इसकी तुलना करते हैं डीसी से या किसी स्टडी करंट से तुलना करते हैं, और स्टडी करंट से तुलना करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई परिपथ है और इस परिपथ को एसी से जोड़ा जाता है। और तब यदि इस परिपथ को एसी से जोड़े जाने पर इसके एक फुल साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न किया गया ऊष्मा का मान किसी डीसी सोर्स से जोड़े जाने पर, किसी नियत धारा के स्रोत से जोड़े जाने पर उत्पन्न समान समय में, समान परिपथ में उत्पन्न किए गए ऊष्मा का मान यदि समान हो तब उस डीसी को इस एसी का हम रूट मीन स्क्वायर मीन्स आरएमएस वैल्यू या इसी को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं इसको कि यदि किसी परिपथ को एसी से जोड़ा जाए तब इसके एक कंप्लीट साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न किया गया ऊष्मा का मान किसी अन्य डीसी से जोड़े जाने पर समान परिपथ में, समान समय में उत्पन्न किए गए ऊष्मा का मान समान हो तब इस डीसी को इस एसी का वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी मान या आभासी मान कहते हैं। आते हैं इसके डेरिवेशन पे कि इसका सूत्र कैसे निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, सिंस वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू साइन ओमेगा टी, यह प्रत्यावर्ती धारा का बेसिक सूत्र है। अब हम ये मानते हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किसी आर प्रतिरोध के परिपथ को जोड़ा जाता है तब उस आर प्रतिरोध के परिपथ में डीटी समय में उत्पन्न किया गया ऊष्मा अगर डीएच हो तो जूल्स के हीटिंग इफेक्ट के अनुसार आई स्क्वायर आरटी से लिखते हैं, तो उत्पन्न किया गया ऊष्मा डीएच बराबर आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई डीटी। यहाँ आई के मान को प्रत्यावर्ती धारा के सूत्र से लिखते हैं आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तब इसका स्क्वायर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब इसके होल स्क्वायर को करते हैं तो यहाँ आई नॉट स्क्वायर आर को साथ रख देते हैं कॉन्स्टेंट होने के कारण, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ये प्राप्त होगा हमें डी टी समय में आर परिपथ के प्रतिरोध में इस आई प्रत्यावर्ती धारा को भेजने के बाद प्राप्त की गई ऊष्मा। अब हम इसके पूर्ण चक्र के लिए निकालते हैं कि उस आर परिपथ, आर प्रतिरोध के परिपथ में एसी के पूर्ण चक्र में उत्पन्न की गई कुल ऊष्मा का मान क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एच के मान को निकालते हैं तो हम इस डीएच का इंटीग्रेशन कर लेंगे, एच का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने में डीएच के मान को यहाँ से रखते हैं, और चूंकि एसी के पूर्ण चक्र के लिए कुल समय अंतराल का मान, कुल समय अंतराल का मान जीरो से प्रारंभ होकर और उसके टाइम पीरियड आवर्तकाल के बराबर होगा, तो जीरो अप टू टी आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से फ्री कर लेते हैं तो आई नॉट स्क्वायर आर बाहर होगा और यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो अप टू टी और लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। फिर यहाँ के बाद हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना चाहें तो सामान्य परिस्थिति में साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम एक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का प्रयोग करते हैं और तब यहां लिखते हैं पहले आई नॉट स्क्वायर आर इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 अप टू टी और इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इस सूत्र के अनुसार चेंज कर लेते हैं तब मिलता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी डी टी होगा, इसका अलग से इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, अगली बार फ्री इंटीग्रेशन लेते हैं और 0 अप टू टी और कॉस 2 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी।
अब यहाँ लिखते हैं आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू, इस टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो स्मॉल टी, और इसके लिए लोअर लिमिट जीरो अप टू कैपिटल टी दिया हुआ है वो पुट कर लेते हैं, माइनस आगे बढ़ते हैं कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्राप्त होगा साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू ओमेगा। अब इसमें हम लोग जीरो से टी तक के लिए लोअर और अपर लिमिट लिख देते हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं आई नॉट स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ हम इस लोअर टी के लिए पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, तो टी माइनस जीरो माइनस यहाँ टू ओमेगा को कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, तो वन डिवाइडेड बाई टू ओमेगा और साइन टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी और लोअर लिमिट जीरो अप टू अपर लिमिट कैपिटल टी। आगे बढ़ते हैं आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू, यहाँ टी माइनस जीरो टी होगा, इसमें हम ओमेगा के लिए टू पाई बाई टी मान रख लेते हैं, तब यहाँ टू वन डिवाइडेड बाई टू के लिए आगे बढ़ते हैं तो ओमेगा और ओमेगा का मान टू पाई डिवाइडेड बाई टी होगा, साइन टू और ओमेगा का मान टू पाई बाई कैपिटल टी और इंटू स्मॉल टी, और ये जीरो अप टू टी के लिमिट में है। आई नॉट आगे बढ़ते हैं फिर आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ टी माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फोर पाई और जो थर्ड टर्म टी है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी डिवाइडेड बाई फोर पाई और इंटू यहाँ साइन फोर पाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू पाई फोर पाई डिवाइडेड बाई टी, और इस अपर और लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा इंटू कैपिटल टी माइनस फिर साइन फोर पाई डिवाइडेड बाई टी और स्मॉल टी के प्लेस पर अगली बार लोअर लिमिट, तो ये होगा जीरो। आगे फिर है आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू, यहाँ टी माइनस टी डिवाइडेड बाई फोर पाई, यहाँ टी से टी कैंसिल होने पर बचेगा साइन फोर पाई और माइनस साइन जीरो। अब हम इस मान को रखते हैं यहाँ साइन फोर पाई के लिए तो जीरो और साइन जीरो के लिए भी जीरो होगा, एक्चुअली फोर पाई दो कंप्लीट रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और तब इसका मान जीरो पर के लिए जीरो होगा और साइन जीरो के लिए भी जीरो प्राप्त होगा, और तब लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू टी माइनस टी डिवाइडेड बाई फोर पाई और इंटू जीरो माइनस जीरो, ये जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब यहाँ जीरो प्राप्त होगा और टी माइनस जीरो करेंगे तो टी होगा, यानी आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू में टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस प्रकार हमें एक कंप्लीट साइकिल में एसी के द्वारा उत्पन्न की गई कुल ऊष्मा का मान प्राप्त होता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम मानते हैं कि इस एसी के कंप्लीट साइकिल में इसका प्रभावी मान या आरएमएस मान आई आरएमएस है, और इसे आर प्रतिरोध के परिपथ से जोड़कर इसके पूर्ण चक्र के लिए टोटल कैपिटल टी टाइम के लिए हम सप्लाई देते हैं और तब उत्पन्न की गई ऊष्मा को लिखते हैं। तो यदि पूर्ण चक्र के लिए माना गया वर्ग माध्यमूल मान आई आर एम एस हो तब उत्पन्न की गई ऊष्मा एच बराबर आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ दोनों में आर प्रतिरोध के लिए परिपथ में सप्लाई दी गई है कैपिटल टी टाइम के लिए, तो उत्पन्न की गई ऊष्मा भी समान होगी, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। अब हम दो इसके एल एच एस दोनों का इक्वल है तो आर एच एस से हम कंपेरिजन करते हैं, तो ये होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर टी आर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ आर टी से आर टी कैंसिल कर लेते हैं तो आई आर एम एस के लिए बचता है स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होगा। पुनः यहाँ से अंडर रूट को हम सॉल्व कर लेते हैं इसके स्क्वायर से, तो हमें आई आर एम एस के लिए मान मिलता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। इस प्रकार के प्राप्त मान को अगर हम डिवाइड कर ले रूट टू के मान 1.414 रखकर तो हमें मिलेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, या इसे अगर प्रतिशत के रूप में लिखा जाए तब आई आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में इसका प्रभावी मान या वर्ग माध्यमूल मान महत्तम धारा का 70.7% होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान आरएमएस मान कितना होता है, तो यह महत्तम मान का 70.7% होता है। सिमिलरली अगर वोल्टेज के साथ बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आरएमएस मान लिखेंगे तो वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, या इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं हम तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी नॉट, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ वी नॉट होता है, यानी वोल्टेज का महत्तम वोल्टेज का
आरएमएस मान महत्तम वर्णता का 70.7% होता है। तो ये था आरएमएस वैल्यू। चूंकि इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम और वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे पहले सॉल्व करके और यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो से आप फिजिक्स 11 और 12 के फिजिक्स को सीखते रहें। धन्यवाद।